हाँ जी बेटा, इट इज रिटन इन द फिगर, दैट फिगर इज गिवन टू यू, ए बी सी दैट इज मेंशन हियर एंड ए डी एंड सी ई, दीज आर ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे, शो दैट, मुझे कहा गया है पहले में, शो दैट ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, मेरे पास सबसे पहले ए ई पी, ये छोटी ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरे पास सी डी पी आपस में सिमिलर है, क्लियर कट। हाँ जी, सी डी पी बेटा, ई भी तो मेंशन। हाँ जी, वेरी इजी, कैसे? बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। रीजन, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, ये 90 क्योंकि ऑल्टीट्यूड गिवन है, और ये भी ऑल्टीट्यूड गिवन है, तो ये भी 90, ट्रायंगल क्या हो गई? सिमिलर, कॉन्ग्रेंट नहीं, सिमिलर, क्योंकि सिमिलर में ही एंगल एंगल क्राइटेरिया होता, अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होता है, दैट्स व्हाई हम उसको एंगल 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 क्राइटेरिया भी कह देते हैं, दो एंगल्स इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर हो। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट दिया हुआ है मेरे पास, ए बी डी सिमिलर टू, मेरे पास हो गए ट्रायंगल सी बी ई, अब ध्यान से देखिए, ए बी डी ये वाली ट्रायंगल, और मुझे कौन सी ट्रायंगल दी हुई है, देखिए सी बी ई ये वाली ट्रायंगल, अगेन वेरी इजी, कैसे? ये 90 तो इधर भी 90, आप यहां से देखा करो, बी मेरे पास हो गए, यहां पर बी के कोरिस्पोंड है और डी किसके कोरिस्पोंड है, सी के, तो क्लियर कट, देखिए ये 90 डी पे, ये 90 ई पे, है कि नहीं है, और दूसरा एंगल बी बी दोनों में क्या है, कॉमन, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर, कौन से क्राइटेरिया से? सबको समझ आ रहा है बेटा? प्लीज, मैं बार बार कह रही हूं, इफ यू आर नॉट अटेंटिव, यू आर नॉट एबल टू लिसन मी, ये क्वेश्चंस अब पूरा पूरा करके दिखाने वाले नहीं है, हमने एमसीक्यू को टिक करना है, तो उसके लिए मैनुअली दिमाग चलना बहुत जरूरी है। मैंने आपको यहां पर कहा कि मेरे पास क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर करो, है ना, आपसे ये पूछ सकते हैं बाय विच क्राइटेरिया, तो मैंने क्राइटेरिया क्या देखा, ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में, यानी एक एंगल हो गया, और क्योंकि ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है ना, ऑल्टीट्यूड में क्योंकि और कुछ इक्वल नहीं दिया, ऑल्टीट्यूड में 90 डिग्री इक्वल आते हैं, मतलब एंगल्स इक्वल आते हैं, तो एंगल की बात ही होगी, तो दैट मींस ये ऑल्टीट्यूड इस ट्रायंगल का है तो 90 डिग्री हो गया, ये ऑल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल में तो ये 90 हो गया, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और ये दोनों में कॉमन है, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू थर्ड पार्ट, मेरे पास हो गए, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ बेटा, ट्रायंगल मेरे पास हो गए, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, जो गए, अब ध्यान से देखिए, मेरे पास ए ई और पी, मेरे पास एक सेकेंड बेटा, पी इज दिस, दिस इज डी, हाँ जी, ए जो गए, ई पी ये ट्रायंगल है, अगला ट्रायंगल कौन सा है मेरे पास, ए डी बी, मेरे पास हो गया ये ट्रायंगल है, अब बेटा देखो, हमने यहां पर ए डी पी बिल्कुल वैसे ही, अब ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, अब इस ट्रायंगल में ये 90
और बड़े ट्रायंगल में ये 90, तो ट्रायंगल दोबारा किससे हो गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया। यानी अब आपको माइंड में पता क्या रखना है, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू डैश, कौन सी ट्रायंगल के सिमिलर, इसकी ऑप्शन दी हुई, मतलब आप इन ऑप्शंस को लर्न कैसे करना है। हमने सबसे पहले पार्ट में किया था, अगर ऑल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है एक ही ट्रायंगल में, तो पहले तो छोटी ट्रायंगल और इधर से छोटी ट्रायंगल सिमिलर होगी, ये ऐसे याद रखना है आपको, जब भी एक ट्रायंगल में दो अल्टीट्यूड है, ये छोटी ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स सेम हो, ये नीचे वाली और ऊपर वाली, फिर छोटी ट्रायंगल जिसके साथ सेम बड़ी वाली ट्रायंगल बने, वो भी क्या हो, सिमिलर हो सकता है, या ये छोटी और इधर से बड़ी वाली, ये भी क्या हो सकता है, सिमिलर हो। ऐसे लर्न करनी है ये ऑप्शंस। प्रूफ नहीं आता हमें, मैं बार बार कह रही हूं, प्रूफ कहां हेल्प होगा, क्राइटेरिया फाइंड आउट करने में, सिर्फ किसमें हेल्पफुल होगा, क्राइटेरिया फाइंड आउट करने में। लेकिन अगर मुझे बताना है कि ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है, जो बच्चा ये नहीं याद करेगा कि किसके किसके सिमिलर होगी, तो उसको थोड़ी सी फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, चले बेटा आगे। नाउ नेक्स्ट मेरे पास जो था फोर्थ पार्ट था, लेट अस सी फोर्थ पार्ट क्या है। ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर टू बीईसी, वेरी इजी। हाँ जी, अब ये वाला कॉमन, छोटी ट्रायंगल में ये है ना, और बड़ी ट्रायंगल क्या है, बीईसी है ना, तो उसमें ये वाला 90, ये दोनों में कॉमन, ये मैंने आपको पहले भी वैसे बता दिया था, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सेम, प्रोवाइडेड वन वर्टेक्स इज कॉमन, तभी हो सकता है ना। इज इट क्लियर। यहां से ये कंक्लूजन निकाला कि अगर एक ट्रायंगल में दो अल्टीट्यूड है और अल्टीट्यूड अंदर इंटरसेक्ट जहां पर कर रहे हैं, लास्ट बॉयज सेकंड लास्ट बेंच, उससे क्या कंक्लूजन निकाला, जहां पर वो अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, छोटी ट्रायंगल यहां क्रॉस बज रहा है, वो उसके आपस में सिमिलर होगी, फिर छोटी ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम ले लो, उसके साथ बड़ी ट्रायंगल ले लो, वो भी क्या होगा, सिमिलर। ऐसे ही छोटी ट्रायंगल और इधर बड़ी ले लो, ठीक है जी। अब ये नहीं हो सकता कि ये किसी के साथ सिमिलर आ सके, नेवर एवर। क्यों? क्योंकि ये फोर साइडेड फिगर है, इट्स अ क्वाड्रिलेटर। ओके बेटा, क्लियर। चलिए लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ बेटा। व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 8? हां जी, हियर इट इज रिटन, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी। मेरे पास हो गए ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड जो है ए डी, प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। मेरे पास जो है एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, और इसको प्रोड्यूस किया, थोड़ा सा स्लांटिंग ले लेती हूँ, ये लीजिए, अगर मैंने प्रोड्यूस किया है इसको ई तक, और उसने कहा कि प्रोड्यूस कैसे करना है, सच दैट मेरे पास बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट एफ। मेरे पास हो गए, अगर मैं बी ई को इंटरसेक्ट करवाऊं ई पे और ये सी डी को एफ पे मीट कर रहे हैं, तो मुझे उसने कहा है कि प्रूफ कीजिए, शो दैट ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई बड़ी ट्रायंगल जो गए वो सिमिलर है ट्रायंगल सी मेरे पास जो है एफ बी, इसके सिमिलर है। अब बेटा कुछ नहीं दिया हुआ मुझे, बेटा उसने ये कहा कि बी ई सी डी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रहे, दे नथिंग मेंशन, नहीं कुछ भी नहीं, इतना प्रोड्यूस करो
सो दैट कि जो बी एफ है अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो वो ई पे इंटरसेक्ट करे कहीं, दोनों को बेसिकली प्रोड्यूस किए। अब मुझे अगर मैं ट्रायंगल देखूं ए बी ई बड़ी ट्रायंगल, और इधर से मैं देखूं सी एफ बी ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल मुझे सिमिलर करनी है, प्रोवाइडेड आप अगर देखो कोरिलेशन देखो बी एफ के साथ भी है, ए सी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा, अगर करता है तो मैं सबसे पहले देखूं ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक मुझे एंगल मिल गया। अब दूसरा मैं देखूं ध्यान से, अगर मुझे देखना है यहां पर ये पैरेलल साइड्स हैं, अगर मैं यहाँ ट्रेपीजियम की बात करूं तो मेरे पास सॉरी ट्रांसवर्सल की बात करूं तो मेरे पास एंगल कुछ नहीं बन रहा। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, मैम ये एंगल इसके इक्वल है जी, बेटा ये एंगल जो है ट्रायंगल पूरी बड़ी में नहीं आ रहा है, सो यू आर नॉट एबल टू टेक इट, ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। हाँ जी विषम, एंगल एफ एंड एंगल बी आर इक्वल, हाउ मैं कह रही हूं कि पैरेलल, आप इसको पैरेलल लाइंस हैं, आपने वन और टू इक्वल कर दिया, बट ये एफ छोटी ट्रायंगल में आ रहा है ना, एक मिनट ये बड़ी ट्रायंगल में आ रहा है पर मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूंगी, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, अब एक एंगल आ गया छोटी ट्रायंगल में, एक एंगल आ गया बड़ी ट्रायंगल में, ऐसे कंसिडर करो। आप डायरेक्टली इधर से एफ ले रहे हो इधर से बी ले रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी ई और बी कैसे, यहां ट्रांसवर्सल कौन सी है, कोई नहीं है ना, एक कॉमन ट्रांसवर्सल। मैंने क्या किया, इसको ले लिया थ्री, पहले एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, रीजन अल्टरनेट ले लो वो ले लो जी, कोई बात नहीं, कोई एक फिक्स थोड़ा, आपने अल्टरनेट ले लिया आप उससे ले लो, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से कर दिया फिर वर्टिकली, ये तो कोई एक फिक्स नहीं होता ना, जो आपके माइंड में आया आप चल पड़े। तो मैंने क्या किया, एंगल वन थ्री के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किया, फिर एंगल वन एंगल टू के मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग किया, तो इसका मतलब टू थ्री के इक्वल आ गया, और मेरे पास एंगल सी और एंगल ए ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, दो एंगल्स हो गए, ट्रायंगल क्या हो गई सिमिलर। इट इज अप टू यू, नहीं मेरे दिमाग में आया उस टाइम पे आप रट्टा नहीं लगाओ, मैं बार बार कह रही हूं कॉन्सेप्ट है, आप जैसे मर्जी चल पड़ो। ओके जी क्लियर, अगर हमने रट्टे लगाए होते ना अभी तक तो मैं सीधा ही कहती बेटा ले लो ये, हम भी सोच के आपको बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है कि जिसमें मतलब पैरेलल लाइंस की कोई बात नहीं की होती या कुछ ना होता तो मुझे ऐसे घुमा के कोई चीज करनी पड़ती, दैट्स व्हाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले समझ आ गई सबको, चले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझा तो दिया वो, चले आगे करें बेटा। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9th बेटा, प्लीज प्लीज पे अटेंशन बेटा, पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज रिटन हियर इन द फिगर, ट्रायंगल मुझे दी हुई है ए बी सी एंड ए एम पी आर द टू राइट ट्रायंगल्स, जहां राइट ट्रायंगल्स की बात हो रही हो ना मेरे दिमाग में फटाफट स्ट्राइक करता है एंगल की पक्का बात होगी, क्योंकि 90 की बात होगी होगी, तो मैं क्या करूंगी पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। राइट ट्रायंगल एक दी हुई है बेटा ए बी सी, राइट एंगल एट बी एंड अनदर ट्रायंगल एम पे राइट ट्रायंगल दिया हुआ है,
राइट एंगल दिया हुआ है, दे जस्ट मेंशन हियर। अब बेटा उन्होंने क्या कहा यहां पर, स्टैंड अप प्रेक्षित, आ जा बेटा इधर। नाउ व्हाट दे मेंशन देयर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, मेरे पास हो गए। हाँ जी, सबसे पहले ए बी सी और ए एम पी क्लियर कट। हाँ जी बताओ बेटा, एंगल एम और एंगल पी इक्वल है क्योंकि बी ईच 90 डिग्री, दैट मींस एंगल वन और टू इक्वल और एंगल ए दोनों में क्या है कॉमन। अब अपने आप आपसे हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। चलो नेक्स्ट बेटा, इसका जो पार्ट है सेकंड पार्ट मेरे पास हो गए, सी ए बाय पी ए इज बी सी ओवर एम पी मेरे पास हो गए। क्योंकि मेरे पास पहले तो देखें ये साइड कौन सी ट्रायंगल्स में आ रही, फिर ही देखेंगे ना कि क्या पता हमने ये ट्रायंगल पहले ही सिमिलर की हो, है ना। तो देख लेते हैं, हाँ जी लक्ष्य कह रहा है तो देख लेते हैं, है ना। सी ए ओके जी, पी ए अभी तक ये दोनों उसी ट्रायंगल में आ रहे हैं जिनको सिमिलर किया, बी सी देन एम पी वही ट्रायंगल्स में आ रहे हैं ना, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे यहां पर, तो बेटा किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। एक तरफ ब्लैंक दे दिया जाए, ट्रायंगल कौन से की सिमिलर है वो दे दिया जाए, तो आपको वो जस्ट मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहना। ओके, केस स्टडी पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी में भी ये बन सकता है। कैसे, मैं कह दूं कि दो पर्सन के ना प्लॉट्स हैं, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ये फिगर दे दी जाए और उसने कहा कि अगर एक पर्सन इस ट्रायंगल की फॉर्म में है तो बताइए दूसरे ट्रायंगल उसके साथ कौन सा सिमिलर हो रहा है। केस स्टडी किसने कहा नहीं आने, असर्शन रीजनिंग नहीं आने बेटा, केस स्टडी इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। दो क्वेश्चंस आने हैं, यानी 8 नंबर की केस स्टडी आनी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, व्हाट इज रिटन इन द नाउ 10th क्वेश्चन, अक्षित पे अटेंशन, आपका माइंड बेटा कहीं और चल रहा है इस वक्त। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10th, सी डी एंड मेरे पास हो गए जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ, मेरे पास एंगल्स दिए हुए हैं, आप पहले फिगर बनाते हैं तभी आपको पता चलेगा। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड देयर इज अनदर मेरे पास हो गए ट्रायंगल दैट इज ई एफ जी, और यहां पर दिया हुआ है सी डी, ऑब्वियस है यही कहीं होगी, एंड मेरे पास दिया हुआ है जी एच। ये यहां पर ये बोला गया है कि ये बाइसेक्टर है गिवन ऑफ अ एंगल, मेरे पास ए सी बी का बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है तो मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज गिवन टू अस। सेकंड उसने कहा है कि जी एच बाइसेक्टर है ई जी एफ का, दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। पहली लाइन से ये क्राइटेरिया हमारा कैलकुलेट हुआ। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ ए ट्रायंगल दिया हुआ है। नाउ इफ
ट्रायंगल ए बी सी मेरे पास हो गए, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल मेरे पास एफ ई जी, देन शो दैट नंबर फर्स्ट जो है सी डी ओवर जी एच मेरे पास जो है दैट इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी मेरे पास। सबसे बड़ी बात, पहले तो एक चीज याद रखना, जब भी किसी दो ट्रायंगल्स में बाइसेक्टर्स गिवन है, बाइसेक्टर मेरे पास गिवन है, तो बड़े आराम से छोटी छोटी ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है। अब वो कैसे, पहले तो मैं देखूं मेरे पास बड़ी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, यहां पर कौन सी ट्रायंगल में ये आ रहा है, सी डी जी एच ए सी और मेरे पास जो है एफ जी, यही आ रहा है ना, यानी इधर से ये वाली ट्रायंगल और इधर से ये वाली ट्रायंगल मुझे क्या करनी है, सिमिलर करनी है। सबसे पहले अगर ये बड़ी ट्रायंगल सिमिलर थी तो 100% जो एंगल सी है वो जी के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी और जी। अगर ये एंगल इक्वल है तो हाफ हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब मुझे इधर से ऊपर वाली ट्रायंगल चाहिए, इधर से कौन सी चाहिए, नीचे वाले, तो मैं यहां 1 2 यहां 3 4 हाफ ऑफ एंगल सी की जगह पे मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ, ठीक है बेटा। हाफ ऑफ एंगल जी की जगह पे मैं एंगल क्या लिख सकती हूँ, 3, क्योंकि नीचे वाली ट्रायंगल कोई भी लिख सकती थी, पर मेरी जो रिक्वायरमेंट है, तो दैट मींस एक एंगल इक्वल आ गया। अब कोई यहां पर एंगल की बात नहीं हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, साइड्स की। अब जरा ध्यान से देखना, मेरे पास जो है एक एंगल आ गया, अगर साइड्स मेरे पास एंगल के बीच वाली इक्वल आ जाए तो मेरा काम हो सकता है। तो उसको कैसे, मैं अभी आपके लेवल के अकॉर्डिंगली सोच के बता रही हूं। मुझे ये दिया था पूरी पूरी ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी ओवर ई एफ इज इक्वल टू मेरे पास हो गए ए सी ओवर जो है ई जी, और कौन सा रह गया मेरे पास, बी सी ओवर ई जी, ओके। अब जरा देखना मेरे पास यहां पर कौन कौन सी साइड्स मुझे चाहिए यहां पर यूज होने के लिए। मैं चाहती हूं कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर आए, तो सिमिलर आने के लिए मेरे पास दो साइड्स मुझे नजर आ रही हैं, एसी ओवर जो है ईजी ओवर आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी मेरे पास कैसे आएगा, किसी तरह से सी डी और जी एच आ जाए, तो या मेरे पास जो है यहाँ ट्रायंगल कौन सी चाहिए थी हमें, ये वाली एफ जी आ जाए तो मेरा काम हो सकता है। तो बेटा मैंने इन में से कैसे मैं लूं कि मेरी वो दोनों साइड्स आ जाए, बताइए। मैंने आपको हिंट दे दिया इन में से दोनों कैसे मैं साइड्स लूं, नहीं थी, दैट मींस मैं सिंपल कहती प्लीज बेटा प्लीज, मैं यहां पर बता रही थी कि मुझे इन साइड्स के चक्कर में, हम हमेशा तभी पढ़ते हैं अगर मीडियन और अल्टीट्यूड की कोई बात हो रही, ओके, यहां कोई बात नहीं हो रही थी, तो सिंपल था, बड़ी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होगा, और मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया मेरे पास ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर होगी तो साइड्स क्या हो गई,
प्रोपोर्शनल, बस ओके जी। ये बहुत बार होता है, मीडियन वर्ड ऑल्टीट्यूड वर्ड, ज्यादातर मीडियन के केस में वो साइड्स इन्वॉल्व होती हैं। पता क्यों? जब मीडियन आता है तो वो अपोजिट साइड को इक्वल जो है पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं, 1/2 से डिवाइड ऊपर और नीचे कर देते हैं, तो पूरी साइड का हाफ दिस और पूरी साइड का हाफ दिस वो आ जाता है, तो मेरा काम हो जाता है। लेकिन जब सिंपल ट्रायंगल्स की बात की गई ना, तो कभी साइड्स को इन्वॉल्व मत करो, एंगल एंगल को सिर्फ कंसिडर करो। ओके, ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहती थी। क्लियर टू एवरीवन? ट्राई टू कंप्लीट अप टू दिस, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम टुमारो करेंगे। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम।